हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एल्गी लाइक प्रोटिस्ट के बारे में बात कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हेटरोट्रॉप्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, these include slime mold which are not true fungi due to absence of काइटेनियस सेल वॉल। अब इसमें फंजाई लाइक है, यानी कि इसमें सेप्रोजोई को होलोजोई टाइप का न्यूट्रिशन होगा। इसमें क्या होंगे, स्लाइम मोल्ड आते हैं जो कि ट्रू फंजाई नहीं है। मीन्स इसमें क्या है, जो काइटिन की, जो देखिए ट्रू फंजाई कौन होती है, इसमें काइटिन की सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की। तो ये क्या है, एब्सेंस ऑफ काइटेनियस सेल वॉल, यानी कि काइटिन इसमें एबसेंट, यानी कि ये ट्रू फंजाई नहीं है, स्यूडो फंजाई है। इसमें स्लाइम मोल्ड आता है। तो हम लोग स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करते हैं। अकर एज ब्रिलियंटली कलर्ड इररेगुलर ग्रोथ्स मोस्टली एग्जिबिटिंग क्रॉलिंग मूवमेंट अपॉन बार्क्स ऑफ ट्रीज स्टोन्स फॉलन ट्विग्स एसेट्रा इन कूल एंड मॉइस्ट हैबिटेट्स यूजुअली इन द फॉरेस्ट। देखिए हम लोगों ने क्या बात किया था, प्रोटिस्ट कैसे थे, माइक्रोस्कोपिक थे, लेकिन कुछ मल्टी न्यूक्लियट मासेस बना रहे थे। और वो मल्टी न्यूक्लियट मासेस क्या हैं, इन्हें हम दे इतने इनफ तो हैं कि हम इन्हें देख सकते हैं। तो ये कैसे होंगे, मल्टी न्यूक्लियट मासेस हो गए। ये कैसे होंगे, ब्रिलियंटली कलर्ड हैं, कलर्ड में कलरफुल होते हैं, इररेगुलर ग्रोथ्स होते हैं, कोई भी इनका शेप नहीं, डेफिनेट शेप नहीं, रेगुलर होते हैं। मोस्टली एग्जिबिटिंग क्रॉलिंग मूवमेंट्स, कहाँ पर देखेंगे आपको, जो ट्रीज के जो बार्क हैं, स्टोन्स हैं, या जो फॉलन ट्विग्स हैं, वहाँ पे क्रॉलिंग मूवमेंट में आपको देखेंगे। ये कहाँ पे, ये कूल एंड मॉइस्ट हैबिटेट्स में पाया जाता है, कूल और मॉइस्चर होता है यूजुअली इन द फॉरेस्ट। न्यूट्रिशन इज डेट्रीवोरस, मीन्स डेट्रीटिवोरस मीन्स दे फीड अपॉन द डर्बिस ऑफ वर्न आउट प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, ईस्ट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा accumulating on the object on which these grow। यानी कि किस पे ये फीड करते हैं, जो डर्बिस हो गए, यानी कि जो प्लांट एनिमल्स जो होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, जो मतलब डर्बिस कचरा होते हैं, तो उनमें ये फीड करते हैं, उनके टिश्यूज़ पे फीड करते हैं। ठीक, ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, सेक्टर जो भी, मतलब accumulating on the object on which this grow, जिस ऑब्जेक्ट पे ये पाए जाएंगे उसी ऑब्जेक्ट पे वो फीड करेंगे उसको। रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो ये इतनी सी बात है, इसका नाम है डेडियम। ये क्या है, डेडियम, देखिए क्या है, ब्रिलियंटली वाइट कलर का है, खैर ये कलरफुल होते हैं बहुत। तो ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में बात कर लिया हम लोगों ने स्लाइम मोल्ड के बारे में। अब आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में, जो हेटरोट्रॉप्स हैं। एनिमल्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिज्म विदाउट क्लोरोफिल एंड हैज हेटरोट्रॉपिक। एनिमल्स किसे हम कह सकते हैं, वो जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, एब्सेंस है, एंड हैज हेटरोट्रॉपिक, ये मीन्स दे कैन नॉट मेक दे ओन फूड, वो नहीं बना सकते, वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, डिपेंड होते हैं। तो ये हेटरोट्रॉपिक हो गया। दे लैक सेल वॉल, में सेल वॉल नहीं है, एंड हैव एट लीस्ट वन मोटाइल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अब इनकी थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल कोई ना एक मोटाइल स्टेज जरूर प्रेजेंट होगा, मीन्स कोई भी होगा जिसमें फ्लैजल लोकोमोटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, मोटाइल स्टेज होगा। यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, एज यू नो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसमें फोर ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप की बात करते हैं ज़ूफ़ेज़िलेटा, फ्लैजिलेटा। दे आर कलरलेस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, कैसे हैं, अभी माइक्रोस्कोपिक हो गए, विद स्फेरिकल ओवल बेल लाइक स्पिंडल शेप्ड और स्लीपर लाइक बॉडी। कैसे हो गए इनके, देखिए वेरी कर रहे हैं, बॉडी फॉर्म भी वेरी कर रहे हैं इनमें। ए सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। ए सेलुलर मीन्स कि ये सेल्स से नहीं है, नॉट कम्पोज ऑफ सेल्स से नहीं बने हुए हैं, इनमें क्या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और नॉन सेलुलर मीन्स कि ये बिना सेल के एग्जिस्ट करते हैं। तो ए सेलुलर हो गए, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका। फ्लैजिला एज ऑर्गेनलीज फॉर लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग। अब फ्लैजिला का दो काम होता है, एक फंक्शन होता है लोकोमोशन करना, दूसरा फंक्शन क्या होता है, फूड को कैप्चर करना। तो ये दोनों काम करता है। रिप्रोड्यूस बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सम आर पैरासिटिक इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ डिजीजेस।
अब कुछ इसमें क्या है, पैरासिटिक एज ए पैरासाइट होते हैं, और जैसे एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा के ये ह्यूमन बींग्स में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ये, तो एज ए ये पैरासाइट हो गया। सेकेंड ग्रुप है सार्कोडीना, इसमें क्या है स्यूडोपोडिया है फॉर लोकोमोशन। देखिए जो ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पे बेसिस किया गया, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पे ही, लोकोमोटरी ऑर्गनलीज कौन सी होने की बेसिस पे किया गया है। तो ये जो ग्रुप है जू फ्लैजिलेटा, ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उसको लोकोमोटरी ऑर्गन पे किया गया है। ये जो जू फ्लैजिलेटा हो गए वो कैसे हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। सार्कोडीना में क्या है स्यूडोपोडिया है फॉर लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है, सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वैसे तो सिंगल न्यूक्लियस है, व्हेन मोर, अगर मोर होंगे तो सब के ऑल न्यूक्लियर अलाइक। रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय सिनगैमी, एग्जाम्पल अमीबा, ये देखिए अमीबा। ग्रुप थर्ड स्पोरोजोआ, ये कैसे पैरासिटिक फॉर्म से, अगेन ये कौन सा जू फ्लैजिलेटा पैरासाइट था, ये भी कैसे है पैरासिटिक फॉर्म से, लेकिन इनमें क्या है दे लैक पावर ऑफ लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन नहीं ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लेकिन हमने क्या कहा मोटाइल स्टेज, इनके जो एटलीस्ट लाइफ साइकिल में कोई ना कोई मोटाइल स्टेज जरूर प्रेजेंट होगा। लाइफ साइकिल में इंक्लूड मोर देन वन होस्ट, यानी कि सिर्फ एक होस्ट में नहीं रहते हैं, इनमें बहुत से होस्ट में भी रह सकते हैं, दे इंक्लूड मोर देन वन होस्ट। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गए। अब आते हैं ग्रुप फोर सीलिएटा, लास्ट है ये ग्रुप फोर सीलिएटा। अब सीलिएटा क्या है, इसमें सीलिएट सीलिया प्रेजेंट है, इनमें न्यूमरस सीलिया, थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज होंगे इसमें, क्यों, लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, सेल ऑर्गनलीज लाइक साइटोफेरिंग्स, न्यूरोमोटर सिस्टम, क्वांटिटेटिव वॉक्यूल्स को रेगुलेट करने के लिए क्वांटिटेटिव वॉक्यूल्स प्रेजेंट है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें देखने को मिलेंगे। ट्राइकोसिस, एक स्पेसिफिक फीचर क्या है इसका, ट्राइकोसिस प्रेजेंट, ट्राइकोसिस क्या है, ये ऑर्गेनेल्स है डिफेंस के लिए होते हैं ट्राइकोसिस। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस बता चुके हैं कि जितनी मुझे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी मुझे वेजिटेटिव एक्टिविटीज होंगी, मीन्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन को जो कि जितनी भी एक्टिविटीज होगी सब माइक्रो न्यूक्लियस परफॉर्म करेगी, और माइक्रो मीन्स ये वन और मोर होते हैं, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम्पल पैरामीशियम। तो ये सब तो हम लोग ने पढ़ लिया, आज कंप्लीट हो गया है किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे।